एक्चुअली क्या है कि किशोर दा और रफ़ी साहब ये तो जिसे कह सकते हैं कि ये तो कालजयी है, अजर अमर गायक हमारे इंडस्ट्री के हैं, लेकिन जिन्होंने 90 के दशक में जब बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया था, ना रफ़ी साहब थे और ना किशोर दा रहे, और उस वक्त एक तरह से संगीत की एक मेलोडी की डोर आगे फॉरवर्ड करनी थी, जिसे हम रिले रेस कहते हैं, जैसे रिले में आगे रेस में भागते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने जो एक मेलोडी छोड़ी थी उसको कहीं ना कहीं शानुदा, उदित जी, सोनू निगम जी और ये जो 90 के दशक के जो हमारे सिंगर्स हुए, इन्होंने गाया। लेकिन इन सबसे खास बात स्पेशली मैं किशोर दा, मेरे गुरु हैं, इसलिए स्पेशली मैं किशोर दा के लिए शानुदा और उदित दा का ये कहूँगा कि उनके भी कहीं ना कहीं आइडल किशोर दा रहे। उन्होंने किशोर दा को ही सीखते हुए और सुनते हुए उनने 90 के दशक में गाया, इसलिए मैंने आज के प्रोग्राम में जो मैं अब थोड़ी देर में शानुदा और उदित दा की भी मैं परफॉर्मेंस करने वाला हूँ आने वाले एक आधा घंटे के लिए, तो मैंने इसीलिए पहली बार ये प्रयोग किया। और ये प्रयोग भी मैंने मायानगरी मुंबई से ही चालू करी है, जबकि मैं बाहर देश विदेश में अभी तक मैं सब किशोर दा ही गा रहा था, लेकिन आज मैंने शुरुआत यहीं से सोची है कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद का आज ये पहला प्रोग्राम है। कुछ ही प्रोग्राम्स हो रहे हैं आज मुंबई के अंदर जिसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस कोरोना की लहर के बाद एक संगीत की लहर हम सब लोग मिलकर लेकर आए, इसीलिए एक तोहफे के रूप में, एक उपहार के रूप में किशोर दा के साथ शानुदा और उदित दा के भी कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स को इसमें मैंने शामिल किया। ये भी कहना चाहूंगा जो किशोर दा जी हैं ये कोरोना का योद्धा को सम्मान करने वाले हैं, साथ ही इसके दिवाली मिलन समारोह आपको प्लेटफॉर्म दिया हमेशा, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? दिवाली मिलन तो ऐसा है कि अभी दिवाली आने वाली है और जहां एक साथ आज सब उत्सवी माहौल के अंदर इकट्ठा हुए हैं तो अपने आप में दिवाली मिलन है। हाँ, कोरोना योद्धाओं का भी इसमें याद उनको किया जाएगा और उनका सम्मान भी है, और साथ ही जो हमारे बॉलीवुड से पिछले 1.5 साल से करीब 24 से 25 मशहूर हस्तियां जिन्होंने हमारा भौतिक या दैहिक रूप से हमारा साथ छोड़ा है, उनकी बातें, उनके काम, दिलीप साहब से लेकर और अभी तक के जो भी कलाकार हैं जिनकी इन 2 वर्षों में डेथ हुई है, तो उनको भी हम अभी प्रोग्राम के अंतिम चरण में थोड़ी सी देर के लिए उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। तो एक तरह से आज ये 3 उद्देश्यों का संगम भी है, जिसमें कि दिवाली मिलन, कोरोना योद्धाओं का सम्मान और साथ ही बड़ी हस्तियों का को श्रद्धांजलि। तो एक तरह से ये एक पवित्र, एक नोबल कॉज है जो आज सब लोग मिलकर इस बम्बई के अंदर हम शहर में इस चीज को लेकर आए। आप नहीं चाहते हो एक कलाकार हैं, आप लाइव परफॉर्मेंस करते हैं जी, कैसा लग रहा है अभी का माहौल आपको? कब से परफॉर्म कर रहे हैं, जब से ये समय मुश्किल समय सबसे गुजरा है और आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? कोरोना के टाइम पे मैंने काफ़ी फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स किए क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में थे, और लेकिन मैंने मनोरंजन का साथ नहीं छोड़ा और कई कोरोना वॉरियर्स, सफरर्स, उनको भी मैंने संगीत सुनाया इस 1.5-2 सालों के अंदर। और मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ी सी घबराहट है लोगों में, थोड़ा सा अभी वैक्सीनेशन और सब चीज़ लगाई है तो अभी सब लोगों को ट्रस्ट आने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आज इतनी सारी मीडिया के सामने यही कहना चाहूँगा कि आपने अगर वैक्सीनेशंस लगवा लिए तो आप बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन मैंने मन से भी कहा था, मंच से भी, और अभी भी आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि सावधान हमें रहना है, सजग रहना है, हम सब पढ़े लिखे, वी आर ऑल लर्नेड, एंड हमें ध्यान रखना है कि हम एक थोड़ी सोशल, एक सामाजिक दूरी रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें और मास्क यूज़ करें, और लेकिन मन में, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं तो हमको मन में विश्वास रखना है, पूरा विश्वास रखना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि भारत ने हमेशा जीतना सीखा है, भारत ने हमेशा नंबर बनाना सीखा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, इस शो में वो आए, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और हम सब के लिए पुरानी यादें ताज़ा की। जो उन्होंने किशोर दा का परफॉर्मेंस किया है, मैंने अपनी लाइफ में लाइव परफॉर्मेंस इतना अच्छा कहीं नहीं देखा, चूँकि हमने किशोर दा को तो लाइव सुना नहीं है, गानों के जरिए ही सुना है जी। लेकिन ये पहला ऐसा हमारा मौका है कि जो हमने किशोर दा के हूबहू लाइव गाने सुने। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे सर आए, उन्होंने परफॉर्मेंस किया, थैंक यू सो मच। तथा आज हम दिवाली की सबको राम राम, सबको प्रणाम, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। आप और सब विश्व और भारत स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सब मस्त रहे, सब गाने संगीत सुनते रहे और इसी प्रकार से कार्यक्रम में आके सबकी शोभा बढ़ाए, कलाकारों की शोभा बढ़ाए। एक बात इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था
हमारा कोई कमर्शियल उद्देश्य तो नहीं था, हम लोग ये चाहते थे कि 1.5-2 साल से जो हमने लोगों के चेहरे पर हंसी नहीं देखी एक साथ, हम कुछ गीत संगीत के जरिए कुछ ऐसे मतलब माहौल क्रिएट करें कि ताकि लोग जो सदमे जो सदमा जो झेल चुके हैं उससे बाहर आएं, और जो उनकी चेहरे की जो खुशी हमें देख के जो एहसास हुआ है वही हमारा अवार्ड और रिवार्ड, इससे अच्छी कुछ नहीं। नमस्कार, मैं केशवराय विश्व हिंदी अकादमी का अध्यक्ष, और कोरोना काल में जितने हमने प्रोग्राम कराए हैं शायद भारत ही नहीं दुनिया में किसी ने इतने प्रोग्राम नहीं कराए, साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक और सिनेमा साहित्य इस तरह के हमने प्रोग्राम कराए, हर सप्ताह हमने प्रोग्राम कराए। एक हमारी विश्व हिंदी अकादमी है, मालवा रंगमंच समिति है, और एक लोखंड वाला कविता क्लब है। यहाँ पर हम अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम कराते हैं, कहानी और इस तरह से अनुवाद के अनुभव, साहित्य और सिनेमा, और वेब सीरीज कहानियों का नया बड़ा बाजार, इस तरह के अलग अलग विषय होते हैं हमारे। और 1.5 साल से हम जो छोटे हाल में कार्यक्रम करवा रहे थे, तो आज हमने ये 1.5 साल बाद एक बड़ा कार्यक्रम कराया। उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य ये था कि लोग, वही बात है जो चिंतन जी ने कही है कि 1.5 साल से लोग निकले नहीं थे, तो दिवाली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में था ये, और कलाकारों को श्रद्धांजलि थी और कोरोना योद्धाओं को सम्मान था। तो हम इस तरह की कार्यक्रम करके हमें ऊर्जा मिलती है, और हम एक कार्यक्रम हमने करवाया था विदेशों में हिंदी का विदेश, वो करीब हमारा 115 देशों में वो कार्यक्रम देखा गया, और इसी लोखंडवाला में हम निरंतर कार्यक्रम करते हैं। आज भी 19 से अधिक श्रोता आए और बहुत अच्छा लगा, और इससे हमें बहुत ऊर्जा मिली। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।